दिवाली आ गई है और दिवाली के टाइम में हम मिठाई ना खरीदें ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। काफी जल्दी दिवाली आने वाली है और दिवाली के लिए हमने बहुत सारी मिठाई खरीद ली है और मिठाई के बॉक्स का साइज आप लोग देख रहे हो, इतना बड़ा मिठाई का डब्बा आया है। और हमारी जो मिठाई वो तो आप सभी को पता है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा हमारी मिठाई कौन सी होने वाली है। अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ये मिठाई, काफी धमाकेदार वीडियो होने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुआश मेजर टेक्निकल कॉर्नर, वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, हम सभी के लिए काफी नॉलेजेबल होने वाली है। और ये जो सामान आप यहाँ पे देखने वाले हो इस वीडियो में, मैंने अभी तक बॉक्स को ओपन नहीं किया हुआ है, आप सभी के सामने बॉक्स को ओपन करूंगा। हालांकि इसके ऊपर एक बबल रैप और एड्रेस लेबल लगा था जो कि मैंने निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ। और इसके जो प्राइजेस है ना वो काफी ज्यादा कम है, मतलब दिवाली की जो सेल प्राइस होती है ना उससे भी ज्यादा कम प्राइस में यहाँ पे सामान आपको अवेलेबल होने वाला है। और इवन बहुत सारे डेकोरेशन आइटम भी मैंने परचेज किए हुए हैं जो घर में यूज में आने वाले हैं, क्योंकि देखो दिवाली आने वाली थी और नवरात्रि चालू हो चुकी है तो भाई डेकोरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में परचेज करता हूँ, लेकिन भाई जब मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी कम प्राइस में अवेलेबल है तो मैंने वहीं से परचेज कर लिया। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज कूपन कोड भी होने वाला है जहाँ पे आप अप्लाई करके एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, मतलब प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है लेकिन अगर आप उस कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो जो प्राइस है ना ऐसे 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 और ज्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कम प्राइस में आप सामान को ऑर्डर करके मंगा सकते हो, मैंने सारी चीजें इस वीडियो में बताई हुई है, आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और हाँ, कूपन कोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस हमेशा हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए अपने इस बॉक्स को ओपन करते हैं। अभी तक मैंने इस बॉक्स को बिल्कुल भी ओपन नहीं किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, इसके ऊपर से मैंने कुछ रैप वगैरह हटा दी है क्योंकि उसके ऊपर मेरा एड्रेस लेवल वगैरह सब कुछ लगा हुआ था तो मैंने उसको हटा दिया है। और बॉक्स कुछ इस तरीके से अंदर से आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर भी आपको रैपिंग वगैरह करके दी जाती है जिससे कि वो खराब ना हो बॉक्स। तो फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए हमने अपना अस्त्र निकाल लिया है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर मैंने क्या क्या सामान को ऑर्डर किया हुआ है। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया है और बॉक्स के अंदर तो भाई न्यूज़पेपर निकले हैं, मैंने तो न्यूज़पेपर ऑर्डर नहीं किया हुआ था। इस न्यूज़पेपर को हटाते हैं, अरे भाई साहब काफ़ी सारे न्यूज़पेपर इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बबल रैप भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई जिससे सामान को कुछ भी नुकसान ना पहुँचे। और इसके अंदर है आप लोग देख सकते हो हमारा खजाना जो कि हमने ऑर्डर किया हुआ है। भाई आप लोग बॉक्स देखो, बॉक्स का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। फटाफट से मैं सारा सामान बाहर निकाल के उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या सामान यहाँ पे ऑर्डर किया है, किस तरीके से ऑर्डर किया है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने कहाँ से ऑर्डर किया है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप लोग के लिए इस वीडियो में ऑफर क्या होने वाला है। चलिए फटाफट से मैं सामान को बाहर निकाल देता हूँ। देख सकते हो बॉक्स हमारा खाली हो चुका है, इस बॉक्स के अंदर भी यहाँ पे बबल रैप लगी हुई थी तो बॉक्स को हम रखते हैं साइड पे। तो अब चलिए एक एक करके आपको सामान दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सामान यहाँ से ऑर्डर किया हुआ है, कितने प्राइस में ऑर्डर किया है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी आइटम का प्राइस बता पाऊँ। जो आइटम का जो प्राइस है आपको स्क्रीन के कॉर्नर में शो होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आप सभी आइटम को मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या आइटम ऑर्डर किया हुआ है। तो सबसे पहले देखो काफी सिंपल सी चीज हमने यहाँ पे मंगाई हुई है, ग्लो स्टिक, ठीक है, ये हमारे काफी यूज में आती रहती है। तो यहाँ पे मैंने दो पेयर मतलब चार पीस मैंने मंगाई हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कॉलर माइक ऑर्डर किया हुआ है, ये काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है, और कभी कभी हमारे एमरजेंसी में किसी प्रोजेक्ट में यूज़ आता है जैसे कि हम एम्पलीफायर वगैरह जब बनाते हैं। और इसकी कुछ 2 मीटर की लेंथ है जो कि वहाँ पे मेंशन की गई थी और यहाँ पे मेटल के क्लिप भी हमको साथ में देखने को मिल जाती है। तो क्वालिटी वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कम प्राइस मुझे वहाँ से अवेलेबल हो गया ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ वायर मंगाए हुए हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये 20 मीटर वायर का कॉम्बो है, ठीक है, इसके अंदर 5 कलर की वायर होंगी और पर कलर में 4 मीटर वायर यहाँ पे देखने को मिलेगी हमको। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वांटिटी में इनको ऑर्डर किया हुआ है क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं यार, हमारे यूज़ में आती रहती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के रिले ऑर्डर किए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 5 वोल्ट के रिले दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 पीस ये 5 वोल्ट के कुछ रिले ऑर्डर किए हुए हैं, आगे आने वाले प्रोजेक्ट में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसलिए मैंने इनको एडवांस में मंगा के रख लिया है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक टूल किट ऑर्डर की हुई थी, ये मुझे काफ़ी यूनिक सी टूल किट लगी, ठीक है, और कुछ ऐसे बोल्ट और नट्स होते हैं जिनको ओपन करने के लिए ऐसे टूल किट का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके की टूल किट है, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग बिट्स हमको देखने को मिल जाती हैं साथ में जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इस टाइप की अलग अलग बिट्स हमको देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी हैवी चीज़ मैंने ऑर्डर की हुई है, ये तो काफ़ी हैवी है, 12.5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है और ये मार्शल में ट्रांसफार्मर, मार्शल कंपनी का जो काफी हैवी ब्रांड है आपको पता ही होगा ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े साइज के कुछ व्हील ऑर्डर किए हुए हैं, एक स्कूल प्रोजेक्ट में हमको इनको यूज करना था इसलिए मैंने इनको यहीं से ऑर्डर कर लिया, ठीक है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर में है।
उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने एक 50 RPM और एक 100 RPM की 12 वोल्ट गियर मोटर मैंने ऑर्डर की हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है ये 50 RPM की है, ठीक है, इसका प्राइस भी आपको दिख गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक 12 वोल्ट 100 RPM की, जैसे मैंने आपको 50 RPM में दिखाई, उस तरीके से यहाँ पे 12 वोल्ट 100 RPM की गियर मोटर है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ टाइप से के कनेक्टर यहाँ पे मंगाए हुए हैं जो कि मुझे काफ़ी यूनिक लगे, ठीक है, जैसे कि हमने माइक्रो एसबी कनेक्टर अभी तक यूज़ किया था, तो अब मुझे यहाँ पे टाइप सी के कनेक्टर दिख गए थे, तो मैंने इनको भी ऑर्डर कर लिया, ठीक है। इनका प्राइस नॉर्मल माइक्रो एसबी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन भाई काफ़ी यूनिक चीज़ मुझे लगी, तो मैंने सोचा इनको मंगाया जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ गियर मोटर मैंने मंगाए हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एल शेप में है, और ये सिंगल शाफ्ट के गियर मोटर है, इनको बीओ मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल शेप पे सिंगल शाफ्ट के यहाँ पे मैंने 2 पीस गियर मोटर मैंने मंगाई हुई है, काफ़ी कम प्राइस में मुझे वहाँ से अवेलेबल हो गई थी, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ 12 वोल्ट की यहाँ पे अलग अलग कलर में यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑर्डर की हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और इनको ट्यूब लाइट बोलते हैं, जैसे कि ट्यूब लाइट हमारी नॉर्मल ट्यूब लाइट होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे 12 वोल्ट में है और कलर में है, देखो यहाँ पे येलो कलर मैंने ऑर्डर किया हुआ 5 पीस, और इनके जो ब्राइटनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे एक येलो कलर हो गया। उसके बाद कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे पूरा इसमें ग्लास लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, ठीक है, कुछ क्लियर लेंस टाइप में इसको बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रेड कलर मंगाया हुआ है, पिंक कलर मंगाया हुआ है, और ब्लू कलर मैंने मंगाया हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों इसका ग्रीन कलर है, कुछ इस तरीके से मैंने 5 कलर की यहाँ पे ट्यूब मैंने मंगाई हुई है, और आगे आने वाले प्लेट्स में इनका यूज़ करेंगे, और डेकोरेशन में भी इनका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेकोरेशन आइटम की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेशन आइटम इस बार ऑर्डर किए हुए हैं, जो कि काफ़ी यूनिक, काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी सस्ते प्राइस मुझे अवेलेबल हो गए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको कॉर्क लाइट बोलते हैं, फिर बॉटल लाइट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 पीस अलग अलग कलर की यहाँ पे मैंने ऑर्डर की हुई है, 2 मीटर की है, पूरी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसको हम निकालते हैं और मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखो ये मल्टी कलर में है, टोटल यहाँ पे मैंने 4 पीस ऑर्डर की हुई है, दोनों अलग अलग कलर में है, ये चेक करो, ये वार्म वाइट में है, जबकि गोल्डन कलर भी आप इसको बोल सकते हो, काफ़ी प्यारा कलर आ रहा है। और इसकी बात करें तो ये RGB कलर में है, ठीक है, मल्टी कलर में, ये चेक करो आप। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने रेसिस्टर किट ऑर्डर किया हुआ है, और ये रेसिस्टर किट काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है, 150 पीस रेसिस्टर किट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर 30 वैल्यू की रेसिस्टर होती हैं, और हर एक वैल्यू की 5 पीस रेसिस्टर होती है, इस तरीके से 150 पीस रेसिस्टर किट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पीस इनको ऑर्डर किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ टॉगल स्विच मंगाई हुई है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के स्विच होती हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो इनको मैंने मंगाया हुआ है, काफ़ी हाई क्वालिटी में है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको 20 मीटर वायर कॉम्बो दिखाया था, उसी टाइप पे इनके पास 5 मीटर वायर कॉम्बो भी अवेलेबल है, तो मैंने उसको भी ऑर्डर कर लिया। यहाँ पे 1 मीटर की वायर का 5 कलर का वायर का कॉम्बो है, जहाँ पे 5 मीटर वायर कॉम्बो हमको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे मैंने 2 पीस ऑर्डर कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ LDR सेंसर यहाँ पे ऑर्डर किए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ LDR सेंसर भी ऑर्डर करके मंगा लिए हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि तो मैंने 12 वोल्ट और 5 वोल्ट का रिले ऑर्डर किया हुआ है, तो मैंने 5 वोल्ट का आपको ऑलरेडी दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 वोल्ट का रिले है, काफ़ी कम प्राइस मुझे वहाँ से अवेलेबल हो गया था, तो मैंने यहाँ पे 5 पीस मैंने इनको ऑर्डर कर लिया। उसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे RGB LEDs ऑर्डर की हुई है, जो कि 100 पीस यहाँ पे हैं, आप आगे आने वाले जो डेकोरेशन आइटम है उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाली हैं दिवाली के टाइम पे, तो यहाँ पे मैंने इनको भी ऑर्डर कर लिया पहले से ही। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर की और कुछ रेड कलर की मैंने LEDs यहाँ पे साथ में ऑर्डर कर ली हैं, तो यहाँ पे 3 अलग अलग कलर के मैंने LEDs को ऑर्डर कर लिया है, काफ़ी कम प्राइस मुझे वहाँ से अवेलेबल हो गई थी, इनका जो प्राइस है आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने कुछ चेजर मॉडल मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हुए हैं, ये 10 चैनल का चेजर है, और इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हो ये 3 चैनल का चेजर है, ये दोनों ही अलग अलग हैं, और ये 4 वोल्ट से 12 वोल्ट में ऑपरेट होते हैं, DC चेजर इनको बोला जाता है, और ये 3 चैनल का है, इसके साथ पोटेंशियोमीटर भी यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे कि हम इसकी स्पीड वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका दोस्तों काफ़ी बेसिक सी चीज़, लेकिन काफ़ी कम प्राइस मुझे वहाँ से अवेलेबल हो गई थी, इसका MRP आप लोग चेक करो, MRP से भी कम प्राइस में वहाँ पे अवेलेबल है। ये प्रीमियर कंपनी का यहाँ पे नाइफ है, पेपर नाइफ इसको बोलते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इसकी, मैंने पहले भी प्रीमियर कंपनी का यूज़ किया हुआ है, और मैंने वहाँ से ऑर्डर इसलिए किया कि इसका जो प्राइस है नॉर्मल उससे भी काफ़ी कम था। उसका दोस्तों यहाँ पे मैंने एक डबल साइड टेप भी मैंने मंगा लिया है, काफ़ी यूज़ में आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ चार्जिंग मॉड्यूल, जो कि काफ़ी कॉमन सी चीज़ है हमारे लिए, तो ये चार्जिंग मॉड्यूल है और ये माइक्रो एसबी वाले हैं, मैंने 5 पीस इनको ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने 5 पीस यहाँ पे टाइप सी वाले मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, ये टाइप सी वाले हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए तो मैंने इनको भी ऑर्डर कर लिया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ जंपर वायर ऑर्डर किया हुआ है, और ये जंपर वायर अलग अलग है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेल टू मेल टू फीमेल और फीमेल टू फीमेल, मैंने दोनों ही तीनों टाइप के मैंने जंपर वायर को 2-2 पीस मैंने 20-20 पीस मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों एक काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी यूनिक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डेकोरेशन आइटम मैंने इस बार काफ़ी सारे ऑर्डर किए हुए हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है और काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल थे, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया। ये एक RGB स्ट्रिप है,
ठीक है, अभी मैं आपको इसको जला के दिखाऊंगा। काफ़ी कमाल के RGB स्ट्रिप आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैंने इसको यहाँ पे एक दो और मैंने तीन पीस यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही सेम टाइप के हैं, काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल थी। एक मीटर के RGB स्ट्रिप है, मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ किस तरीके से ऑपरेट होती है ये। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया इसमें कलर कॉम्बिनेशन है और ऑटोमेटिक ये रनिंग करती रहती है। सिंपली हमको इसको 12 वोल्ट पावर देनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा सामान आपको दिखा दिया है, अभी यहाँ पे काफ़ी सारा सामान आपको दिखाना बाकी है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ आप इसको ऑर्डर कैसे कर सकते हो। ऑर्डर करने के काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस, जैसा कि आपको पता है इस बार मैं टोटल सामान इलेक्ट्रो स्टोर से मंगाता हूँ, और ये वाला सामान भी मैंने इलेक्ट्रो स्टोर से मंगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डेकोरेशन आइटम भी मंगाए हुए, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे डेकोरेशन आइटम मैंने आपको दिखा दिए, अभी बहुत सारे डेकोरेशन आइटम आपको दिखाना बाकी है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है। सिंपली आपको इनका जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सअप से ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। तो जो ऑर्डर करने की प्रोसेस है वो आपको स्क्रीन में शो भी हो रही है, वहाँ पे साथ साथ मैं आपको बताते भी जाऊँगा, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं किस तरीके से ऑर्डर करना है। सिंपली जो व्हाट्सअप नंबर है आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर को आप इलेक्ट्रो स्टोर के नाम से सेव करके आप इनके कैटलॉग पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अगर कैटलॉग में विजिट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, सिंपली आप लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप इनके कैटलॉग में एंटर हो जाएंगे, और वहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी आइटम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, और आइटम की अगर बात करें बहुत सारे आइटम यार, आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइसेस आप लोग खुद देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे आप सामान आप पे खरीद सकते हो। देखो मैं टोटल ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन मुझे टोटल कंपोनेंट्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, बहुत दिक्कतें आती हैं, तो मैं टोटली ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। यार ऑनलाइन शॉपिंग अगर बात करें, जहाँ पे हमको कम प्राइस मिलेगा, जहाँ पे प्राइस आपको अच्छा मिलेगा, जहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आप सिंपली सामान वहीं से ऑर्डर करोगे। तो भाई जैसे कि आप लोग लास्ट काफ़ी टाइम से देख रहे हो, मैं टोटल इलेक्ट्रो स्टोर से सामान ऑर्डर करता हूँ, तो अगर ट्रस्ट की बात करें तो 101% ट्रस्टेड है, आप सामान ऑर्डर करके वहाँ से मंगा सकते हो। अब चलिए बात करते हैं ऑर्डर कैसे करना है। तो जैसे आप इनके कैटलॉग में विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे आइटम देख सकते हैं, आप जो भी आइटम आपको ऑर्डर करना है सिंपली आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके उसको ऐड टू कार्ट कर लीजिए। सिंपली वहीं से आप उसकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मिनिमम ऑर्डर की वैल्यू है वो 199 रुपये है, कम से कम आप 199 रुपये का आपको ऑर्डर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी दोस्तों अवेलेबल नहीं है। आप कैश ऑन डिलीवरी अगर आप बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100% ट्रस्टेड स्टोर है, आपका भाई बोल रहा है, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो जैसे दोस्तों आपका कार्ट कंफर्म हो जाता है, आप सिंपली प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका कार्ट इनके पास पहुंच जाएगा, और वहां से आपको एक वेलकम मैसेज आएगा जिसमें सारी डिटेल्स वहां मेंशन की गई हैं, कहा कि आपको डिलीवरी टाइम, डिलीवरी चार्ज, उसके बाद आपको ट्रैकिंग आईडी कब मिलेगी, सारी चीज़ें उस मैसेज में मेंशन की जाती हैं, जो कि ऑटोमेटिक आ जाता है आपके पास। उसके बाद आपको ये प्राइस टोटल करके बता देंगे और आपको एक QR कोड भेजेंगे, जहां पे आपको सिंपली पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप वहां पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपना, तो वहाँ पे आपको जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा, और विद इन 48 आवर्स से फिर 72 आवर्स के अंदर आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, उसके साथ ही आपको आपके बॉक्स की फोटो मिल जाएगी। तो काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों ऑर्डर करने की। और प्राइसेस की अगर बात करें तो प्राइस तो आप लोग खुद ही देख लो यार, काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे सामान अवेलेबल है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ, काफ़ी कमाल क्वालिटी में सामान अवेलेबल है। और जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि यहाँ पे मैं एक आपको स्पेशल ऑफर भी देने वाला हूँ, तो आपका जो कूपन कोड है वो स्क्रीन में शो हो रहा होगा। आप 499 का अगर ऑर्डर करते हैं, कम से कम 499 रुपये का, मतलब 500 रुपये का कम से कम आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आप अपना 500 रुपये का कम से कम कार्ड बना के इनको भेज दीजिए, उसके बाद आप इस कूपन कोड को, जो कूपन कोड आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, इस कूपन कोड को भी आप वहाँ पर सेंड कर दीजिए, आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपकी टोटल ऑर्डर वैल्यू जो भी होगी उसमें आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मतलब भाई प्राइजेस ऑलरेडी इतने कम हैं, उसके बाद आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब और भी ज़्यादा कम प्राइस यहाँ पे आपको हो जाने वाला है। तो फटाफट जाइए अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, जो ऑफर है काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए है। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो व्हाट्सअप का नंबर है स्क्रीन में शो हो रहा होगा, और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ बैटरीज ऑर्डर की हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 1200 mAh की बैटरी है, लिथियम बैटरी, हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ आती रहती है, तो इसको मैं हर बार ऑर्डर कर लेता हूँ, अगर ये खत्म हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है भाई। ठीक है, काफ़ी सिंपल से होती है, काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने अलग से यहाँ पे ऑर्डर कर लिया 3 पीस। उस पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने कुछ नए आइटम भी ऑर्डर किए हुए, जो कि मैंने पहली बार मंगाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये BLDC मोटर है, और उसको मैं पहली बार अभी यहाँ पे अपने हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देखो, ये 1000 KB की BLDC मोटर है, इसका प्राइस आप देख सकते हो 399 रुपये की है, और सबसे कम प्राइस में यहाँ पे मुझे अवेलेबल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक पीस ऑर्डर कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे दोस्तों ESC का यूज़ किया जाता है इसको ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने 30 एम्पीयर की ESC भी मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर ली थी।
इसका भी प्राइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 397 रुपीज। लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ सोलर पैनल ऑर्डर किए हुए जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैंने अलग अलग टाइप के सर्कल शेप का सोलर पैनल 2 पीस मैंने ऑर्डर किया हुआ है, ये स्क्वायर शेप का और ये रेक्टेंगुलर शेप का। यहाँ पे मैंने 2-2 पीस यहाँ पे तीनों सोलर पैनल मैंने ऑर्डर कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे एक 775 मैंने मोटर ऑर्डर की है और ये 775 मोटर मैंने पहली बार ऑर्डर की है। अब आप लोग यार सोचोगे काफ़ी बेसिक सी चीज़ें आप तो हर बार मंगाते हो, इसमें ऐसा क्या खास है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बेयरिंग वाली मोटर, ठीक है, और इस बेयरिंग वाली मोटर को मैंने पहली बार मंगाया हुआ, मतलब इससे पहले मेरे पास बेयरिंग वाली मोटर अवेलेबल नहीं थी। इसमें काफ़ी अच्छा टॉर्क होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बेयरिंग लगी हुई है। और बेयरिंग वाली मोटर जैसे कि आपको पता है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ भाई इसका भी प्राइस काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सस्ता है, ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 पीस मैंने डायनामो मोटर ऑर्डर की हैं और ये दोनों ही डायनामो मोटर अलग अलग हैं, इनका जो प्राइस है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके साथ हमको एक पुली भी देखने को मिल जाती है, तो इसको भी हम लगा लेंगे इसमें, जिससे तो काफ़ी आराम से मैं इसको घुमा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रही है। इसके अंदर यहाँ पे 10 mm के LED का यूज़ किया गया है। इसके साथ ही मैंने एक सिंपल वाली मैंने यहाँ पे डायनामोमीटर मैंने ऑर्डर किया है, ये भी 4 वोल्ट से 12 वोल्ट ऑपरेट होती है, मतलब 4 वोल्ट से 12 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसके साथ ये वाली 2 पीस मैंने यहाँ पे डायनामोमीटर ऑर्डर की हुई है। उसके बाद यहाँ दोस्तों मैंने कुछ अलग से पुलिस ऑर्डर की हुई है, ये काफ़ी यूज़ में आती रहती है मेरे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, और सबसे ज़्यादा स्कूल पेट को बनाने में ऑर्डर आती हैं भाई, मेरे पास काफ़ी सारे स्कूल पेट के लिए ऑप्शन आते रहते हैं, तो उसके लिए मैं काफ़ी यूज़ में आते हैं, तो मैंने इसको मंगा लिया है, ठीक है। और अलग अलग साइज़ की है, देख सकते हैं छोटी वाली है और एक बड़ी वाली है, तो मैंने 5-5 पीस मैंने दोनों ही मंगा ली हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ राउंड टाइप में रॉकर स्विच को ऑर्डर किया हुआ है, जो कि 3 पीस मैंने मंगाई हुई हैं और ये सर्कल शेप में होती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 पीस एक वोल्ट और एम्पीयर ऑर्डर किया हुआ है, इसमें वोल्टेज भी बताता है और एम्पीयर भी बताता है, 10 एम्पीयर तक और वोल्टेज 100 वोल्ट तक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने इसको भी एक मंगा लिया है। और इसके अलावा एक सिंपल सा वोल्ट मीटर भी हमने ऑर्डर किया हुआ है, जो कि इजीली हम किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ये सिंपली सिर्फ वोल्ट बताता है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो बड़े साइज़ में अवेलेबल है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो बड़े डिस्प्ले में आता है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक 220 वोल्ट AC वाला वोल्ट मीटर भी हमने मंगाया हुआ है, जो कि रेड कलर में है, यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट करेगा, ठीक है, और ये 220 वोल्ट AC वोल्ट से ऑपरेट होता है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने पिक्सल LED ऑर्डर की हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा डेकोरेशन आइटम मंगाया हुआ है, जो कि वहाँ पे नया लिस्टेड हुआ था डेकोरेशन आइटम दिवाली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिक्सल LED ऑर्डर की हुई है और यकीन मानो पिक्सल LED भाई वहाँ से मुझे काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल हो गई है। आप उसका प्राइस अगर आप वहाँ पर जाकर चेक करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, काफ़ी कम प्राइस में दोस्तों पिक्सल LED वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और इसको ऑपरेट करने के लिए इसका अडाप्टर भी हमको अलग से परचेज करना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसके अंदर जो कंट्रोलर है वो अपने इंस्टॉल रहता है, मतलब जो कंट्रोलर होता है वो अलग अलग मोड में इसको चेंज करते रहता है, काफ़ी सारे मोड इसके अंदर होते हैं दोस्तों, जो कि कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंट्रोलर और यहाँ पे पिक्सल LED मैंने ऑर्डर की हुई है, जो दिवाली में डेकोरेशन में काफ़ी यूज में आने वाली है। तो चलिए मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ किस तरीके से ऑपरेट होती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो पिक्सल LED वो ऑन हो चुकी है, काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और इसके मोड आप लोग देख सकते हो, खुद में खुद इसके मोड ऑटोमेटिक चेंज होंगे, ठीक है, और इसके अंदर जो कंट्रोलर लगा हुआ है इसको ऑटोमेटिक पूरा चेंज करता रहेगा, तो काफ़ी बढ़िया लुक लगता है जब इसको हम डेकोरेट करते हैं, इसका यूज़ करते हैं अपने घर में, तो डेकोरेशन में 4 चांद लग जाती है, देख सकते हो आप, इसके जो मोड है ऑटोमेटिक चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी कम प्राइस में आप इलेक्ट्रो स्टोर से इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हो, जो इलेक्ट्रो स्टोर का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर इसी में शो रहा होगा, ठीक है। इसके साथ आपको अडाप्टर भी ऑर्डर करना होता है, लेकिन अडाप्टर एक साथ 2 LEDs को ऑपरेट कर लेगा, मतलब यहाँ पे जो एक झालर है वो 50 LED होते हैं, इसके अंदर ऐसे 2 झालर को ये ऑपरेट कर सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें लिखा भी हुआ 100 पिक्सल LEDs को ऑपरेट कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस कॉम्बो को ऑर्डर करके मंगा सकते हो, वो भी काफ़ी कम प्राइस में, और अपने घर की जो डेकोरेशन है उसमें 4 चांद लगा सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आइटम सिर्फ 3 ही आइटम यहाँ बचे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक PIR सेंसर मंगाया हुआ है, जो कि मोशन सेंसर होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 पीस PIR सेंसर यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद दोस्तों लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के आइटम बचे हुए हैं और दोनों ही आइटम डेकोरेशन आइटम है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करो पहले कौन सा आइटम आपको ओपन करके दिखाऊँ। तो यार चलो फटाफट से पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक झालर मंगाई हुई है, कई जगह इसको राइज लाइट बोलते हैं, कई जगह झालर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 पीस यहाँ पे झालर को ऑर्डर किया हुआ, और झालर देखो काफ़ी यूनिक टाइप की है, ठीक है, यहाँ पे गोल्डन कलर में ग्लो करती है और यहाँ पे बटरफ्लाई शेप बना हुआ है, तो जब ये ग्लो करती है पूरे बटरफ्लाई शेप में यहाँ पे आ जाती है, काफ़ी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे मैंने 1 पीस इसको भी ऑर्डर करके मंगा लिया है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सबसे लास्ट वाला जो आइटम है वहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉम्बो दिए कि मैंने मंगाए हुए हैं, 2 पेयर दिए, ठीक है, और ये 2-2 पीस का पेयर आता है। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस यहाँ पे टोटल ऑर्डर करके मैंने मंगा लिए हैं, और ये दिए नॉर्मल दिए नहीं है भाई, ये दिए जलाने के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है, नॉर्मली हमको दिए जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये दिए पानी से चलते हैं। चलिए फटाफट से मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ से मुझे काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल हो गए थे।
यहाँ पे देखो जैसे मैंने पानी डाला और ये दिए यहाँ पे जलना शुरू हो गए, और काफ़ी कम प्राइस में आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे चार पीस मैंने अभी ऑर्डर किया हुआ था, मैं इसको चेक करना चाहता था किस तरीके से आते हैं ये, अभी मैं इनको और भी ज़्यादा ऑर्डर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी आइटम आपको एक एक करके दिखाए और मैंने काफ़ी सारा सामान यहाँ पे ऑर्डर किए हुए हैं, और आपको जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टाइप के डेकोरेशन आइटम भी ऑर्डर किए हुए जो कि मैंने आपको दिखाए हुए हैं, और ऐसे डेकोरेशन आइटम और भी वहाँ पे अवेलेबल है जो कि काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से इनको ऑर्डर करके मंगा सकते हो, और जैसे कि मैंने वीडियो में आपको ऑफर बताया हुआ है कि अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो सिंपली आप उस कूपन कोड को अप्लाई करके और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो। मतलब प्राइस तो ऑलरेडी कम है ही, लेकिन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट जाइए अपना ऑर्डर को प्लेस कीजिए, जो लिंक है इलेक्ट्रो स्टोर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और स्टोर का जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो व्हाट्सअप के थ्रू। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसी मज़ेदार नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो तो आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।